भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दोस्तों, ऐसा ही खुद का रास्ता बनाया है पंजाब के अमृतसर शहर के सबसे ज्यादा बिकने वाले मसालों के ब्रांड डीपी स्पाइसेस धर्मपाल छोलेवाले ने। धर्मपाल छोलेवाले, जो कि अब डीपीएस के नाम से भी जाने जाते हैं, इनका इतिहास 125 साल पुराना है। पीढ़ी दर पीढ़ी हर जनरेशन ने इस ब्रांड को खड़ा करने में अपना पूरा योगदान दिया है। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान में, जब 1890 में श्री कहनचंद जी का जन्म वहां के अय्यापिंड श्री रामपुरा में हुआ। श्री कहन जी सुबह से लेकर शाम तक घर घर जाकर चने बेचने का काम करते थे। उनकी खास बात ये थी कि वो पूरे साल में सिर्फ एक दिन अपने काम से छुट्टी लेते थे और बाकी 364 डेज वो सिर्फ चने बेचते थे। ये मान लीजिए कि उस जमाने में श्री कहनचंद जी एक भी दिन काम किए बगैर नहीं रहते थे। 32 साल बाद 1922 में वो पाकिस्तान छोड़ अपने परिवार के साथ अमृतसर पंजाब आ गए। उन्होंने अमृतसर में एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करी और यहाँ भी अपने चने के काम को खड़ा करने में जुट गए। अमृतसर आने के 8 साल बाद ही 1930 में उनके बेटे धर्मपाल सेठी जी का जन्म हुआ। धर्मपाल सेठी जी ने अपने पिता को पूरी जिंदगी चने बेचने का काम करते देखा। परिवार में गरीबी होने के बावजूद धर्मपाल जी ने अपने पिता की मेहनत, हिम्मत और परिश्रम को कभी टूटते हुए नहीं देखा। इसलिए उन्होंने ठाना कि अब जो भी हो जाए, मुझे अपने पिता की मेहनत को बेकार नहीं होने देना और बस कुछ करके दिखाना है। धर्मपाल सेठी जी ने अपनी स्कूलिंग आधे में ही छोड़ के अपने पिता के चने के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और अमृतसर की जानी मानी नमक मंडी में एक दुकान के बाहर छोटा सा बेंच लगा के अपने पिताजी के चने बेचने शुरू कर दिए। दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है, क्योंकि जब वो बदलता है तो राजा को फकीर और फकीर को राजा बना देता है। ऐसा ही कुछ आगे हुआ धर्मपाल सेठी जी के साथ भी। कुछ समय बीता और वो नमक मंडी के मशहूर धर्मपाल छोले वाले के नाम से जाने जाने लगे। फिर उसी नमक मंडी में अपने आप को टिकाए रखने के लिए उन्होंने 2x4 फीट की एक टेबल से भी छोटी दुकान रेंट पर ले ली। खुद को काम में सेट करने के बाद धर्मपाल जी ने 1948 में शादी कर ली और ठीक इसके 2 साल बाद 1950 में श्री कहन जी का देहांत हो गया। लेकिन उनके जीते जी धर्मपाल जी ने खुद को काम में भी खड़ा कर लिया था और अपनी घर गृहस्थी भी बसा ली थी। इसके बाद फिर धर्मपाल सेठी जी के 3 बेटे हुए, जिसमें से सबसे छोटे बेटे हरिकृष्ण सेठी जी ने 5 साल की उम्र से ही शॉप पे जाना शुरू कर दिया था। हरिकृष्ण सेठी जी ने भी 11 स्टैंडर्ड तक अपनी पढ़ाई करी और वो तुरंत अपना बिजनेस जमाने में लग पड़े। दोस्तों, आज जहां हम अपने आसपास और सोशल मीडिया पे कॉलेज ड्रॉपआउट्स और उनके स्टार्टअप वेंचर्स के बारे में सुनते हैं, वहीं धर्मपाल सेठी जी और हरिकृष्ण सेठी जी अपने जमाने के स्कूल ड्रॉपआउट्स थे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ अपने बिजनेस को खड़ा करने में लगा दिया। हरिकृष्ण सेठी जी ने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए चने के साथ साथ चने का मसाला भी बेचना शुरू कर दिया था, जो कि उनके पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चना मसाला बनाने के लिए उन्होंने श्री कहनचंद जी के जमाने से चली आई रेसिपी का इस्तेमाल किया और आज की डेट में इनकी चना मसाला रेसिपी को 125 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। हरिकृष्ण जी खुद से अपने घर पर मसाला तैयार कर रोज उसे अपनी दुकान पर लाकर एक लूज पैकेट में बेचने लगे। उनका काम चला और फिर 1990 में जाकर हरिकृष्ण सेठी जी ने शादी करी, जिसके बाद 1993 में उनके पहले बेटे आकाश सेठी और 1994 में दूसरे बेटे चेतन सेठी का जन्म हुआ। हरिकृष्ण जी चाहते थे कि वो अपने बच्चों के लिए एक लॉन्ग टर्म चलने वाला सस्टेनेबल बिजनेस बनाए, इसीलिए उन्होंने फिर 1996 में आकर अपने लूज मसालों को कैसे प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग करनी है वो रिसर्च करना शुरू किया। फिर 1997 में अपना पहला पैकेज्ड इंस्टेंट चना मसाला लॉन्च कर दिया। उन्होंने पैकेजिंग कर अपने मसालों को ब्रांड नेम दिया डीपीएस स्पाइसेस, जो कि धर्मपाल सेठी जी की ही नाम की शॉर्ट फॉर्म है। उन्होंने 10-12 साल पेशेंस रखते हुए मार्केट में सिर्फ अपना डीपीएस इंस्टेंट चना मसाला बेचा और इन्हीं कुछ सालों में उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री भी लगा दी, जिससे कि वो धीरे धीरे मैनुअल से सेमी ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक से फाइनली ऑटोमेटिक मसाले बनाने की प्रक्रिया में आ गए। दोस्तों, इनके इस मसाले के बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में हर जनरेशन ने अपना योगदान दिया है। हर जनरेशन ने काम में कुछ ना कुछ इनोवेट करके इसे आगे बढ़ाया है और अब ऐसा ही कुछ कर रहे हैं हरिकृष्ण सेठी जी के बेटे आकाश सेठी और चेतन सेठी। आकाश सेठी जब अपनी ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थे, तब उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेंगे, बिकॉज इस बिजनेस में उनकी 3-4 जनरेशन की मेहनत जुड़ी हुई है।
इसीलिए उन्होंने सेकेंड ईयर में कॉलेज ड्रॉप आउट कर अपना सारा समय बिजनेस को देने में लगा दिया। उन्होंने अपने भाई चेतन सेठी के साथ मिलकर मार्केट रिसर्च करी और बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान तैयार करा। दोनों भाइयों ने मिलकर फिर मार्केट में डीपी स्पाइसेस का नेक्स्ट वेरिएंट अमृतसरी पराठा मसाला लॉन्च करा। लोगों को इनका पराठा मसाला इतना पसंद आया कि वो तुरंत ही मार्केट में छा गया। आकाश और चेतन को भी अपनी पहली सक्सेस से काफी हौसला मिला और फिर देखते ही देखते कुछ ही सालों के अंदर इन्होंने 20-22 मसालों की नई नई आइटम्स लॉन्च कर दी। आकाश ने फिर इसे फर्दर एक्सपैंड करने के लिए ई कॉमर्स की दुनिया में कदम रखा, जिसकी बदौलत आज वो अपने मसालों को अपनी वेबसाइट dpspices.com, Amazon और Flipkart पर बेच रहे हैं। अपनी वेबसाइट dpspices.com की वजह से आज उनके पास पूरे इंडिया से बिजनेस इंक्वायरीज आती हैं। उनका काम आज भले ही 10 गुना बढ़ गया हो और उन्होंने कई फैक्ट्रीज लगा दी हों, लेकिन आकाश और चेतन के फादर आज भी नमक मंडी की उस 2x4 फीट की टेबल से भी छोटी दुकान में जाकर बैठते हैं और अपना बिजनेस एग्जीक्यूट करते हैं, जिसको वो अपना हेड ऑफिस मानते हैं। दोस्तों, जीवन में अनुभवों से सीखकर खुद को बदलने की जरूरत होती है। अगर हम बदलना बंद कर देते हैं तो एक ही जगह रुक जाते हैं, इसलिए जो बदलता है वही आगे बढ़ता है।